हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। ये हमारा थर्ड पार्ट है रॉक एंड रॉक साइकिल का। इसके पहले के दो वीडियोस हमारे आई बटन पे दिए हुए हैं, जाकर देख लीजिए। हम लोगों ने रॉक साइकिल के बारे में बात किया था, इग्नियस रॉक के बारे में डिटेल में बात किया था। आज के वीडियो में सेडिमेंट्री रॉक, टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक एंड यूजेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक देखिए क्या होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर बेसिकली दोज रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट डिपोजिशन। सेडिमेंट डिपोजिशन मतलब देखिए क्या होता है, ये बेसिकली आपका सेकेंडरी रॉक का फॉर्म है। जब कभी वेदरिंग और डिनेडेशन के कारण से ज़्यादातर ओशन बेड्स या दो रॉक्स के बीच में जब कभी आपका सेडिमेंट्स इकट्ठा होते हैं और लेयर्स का फॉर्म लेते हैं, तो जब लेयर्स का फॉर्म लेते हैं तो समय के साथ कंप्रेस होते हैं, प्रेशर लगता है इनमें और ये एक रॉक का फॉर्म ले लेते हैं। यही रॉक कहलाते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इन्हें स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं। स्ट्राटा की लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटा मतलब वही सेडिमेंट्स की लेयर, और ये लेयर्स एक के ऊपर एक आती जाती हैं, फिर प्रेशर और टाइम के साथ साथ ये एक दूसरे को जॉइन करती हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स बनाती हैं। आपको मालूम है सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली वो रॉक्स हैं जो आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं बिल्डिंग वगैरह बनाने में। यहाँ पर लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, इसका बहुत सारा आपने वर्क देखा है। रेड फोर्ट वगैरह जो है इसी से बना हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर में यूज़ में आता था। दिल्ली सल्तनत वगैरह के समय में आपने देखा है, कुतुब मीनार वगैरह, और मुग़ल समय में भी, तो वहाँ पर सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, लाइमस्टोन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। इसी में अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स में, तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ये केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकते हैं। केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, जब कभी सेडिमेंट्री रॉक्स में कुछ केमिकल्स मिक्स हो जाएं, जैसे कि रॉक सॉल्ट। लाइमस्टोन के बारे में बात करें तो लाइमस्टोन, जिप्सम, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हैं, क्योंकि ये बनाते हैं सीमेंट, जो सीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। अब बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स भी सेडिमेंट्री रॉक का ही फॉर्म है, जो कार्बनाइजेशन के प्रोसेस से बनते हैं। जी हाँ, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो बहुत हार्ड नहीं होते हैं, इसीलिए ये बेसिकली शेप्स और साइजेस में आसानी से कट किए जा सकते हैं और बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्हें यूज़ किया जा सकता है। सैंडस्टोन, जैसे मैंने बताया आपका, रेड सैंडस्टोन बहुत ही इसका कॉमन एग्जांपल है और बहुत सारे मैग्निफिशेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स इन्हीं से बने। ये जो रॉक्स होते हैं ये आपके मिनरल्स कंटेन करते हैं, जैसे लाइमस्टोन वगैरह, जो कैल्शियम कार्बोनेट का एक फॉर्म है, और ये पेंटिंग वगैरह इंडस्ट्री में भी यूज़ आता है। साथ ही साथ ये सीमेंट वगैरह बनाने के लिए लार्ज स्केल में यूज़ में आता है। फोर्थ, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो मिलते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलते हैं, और इन्हें सेडिमेंट्री रॉक का ही एक फॉर्म कहा जाता है, क्योंकि कार्बनाइजेशन के प्रोसेस से बनते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगता है। साथ ही साथ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसको शेयर करिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखिए, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।